सरकार लाख दावे करे कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन दमोह जिला अस्पताल में सरकार का यह दावा एक बार फिर गलत साबित हो रहा है, जहां इलाज नहीं मिलने से एक मरीज ने दम तोड़ दिया। दमोह जिला अस्पताल में बुधवार की शाम अफरा तफरी का माहौल रहा। इलाज के इंतजार में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग बार बार डॉक्टर को पूछ रहे थे, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर अमजद खान की कोई खबर नहीं थी। इलाज के लिए भटक रहे लोगों की मिन्नतें उस वक्त चीखों में बदल गईं, जब इलाज के अभाव में मरीज राजाराम यादव की मौत हो गई। कोई डॉक्टर डॉक्टर कोई नहीं आया, और जब आए सुबह बोल दिए खत्म हो गए। कितनी देर आप लोग इंतजार करते रहे? दो घंटे। किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। क्या मानते इलाज के अभाव में खत्म हो गए? अब जब कोई नहीं आया तो हो ही गए। क्या हुआ? उल्टी बस हुई है। कोई मरीज सड़क दुर्घटना के बाद यहाँ पहुँचा था तो कोई गंभीर बीमार था, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला यहाँ कोई नहीं था। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कितने पेशेंट हो रहे हैं यहाँ पे? कम से कम 6-7 पेशेंट हो रहे हैं। कोई चबीरा से आया है, कोई गुबरा से आया है, कोई लही से आया है, कोई केवानी से आया है। कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, सब परेशान चल रहे हैं। मीडिया ने पूरा अस्पताल छान लिया, ना डॉक्टर मिला ना ही कोई स्टाफ। एक वार्ड बॉय जरूर लिखा पढ़ी करता नजर आया, उसने भी माना कि डॉक्टर अमजद खान ड्यूटी से नदारद हैं। जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी ना, वो आया नहीं। कौन है ड्यूटी पर? ड्यूटी में डॉक्टर अमजद खान की ड्यूटी थी 8 बजे से। यहाँ पर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है, तो लगातार पेशेंटों की लाइन लग रही, क्या हो रहा है? आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी? हाँ, दे दी। हाल ही में दमोह जिला अस्पताल की मरम्मत हुई है। अस्पताल की इमारत तो सुंदर बन गई, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं। नतीजा सामने है। समय के लिए दमोह से आजम खान।